नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 से 8 मार्च के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। दसवीं राशि लेते हैं, मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि 5 मार्च के दिन आप अपने लक्ष्य को पुनर्निर्धारित करने के बारे में काफ़ी गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि जीवन में जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा है वो लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, वो लक्ष्य इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है जो आपको फुलफिलमेंट दे सके या जीवन में एक सफल मुकाम को दे सके। ऐसे में आप अपने लक्ष्य को रीसेट करने के बारे में सोच सकते हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि लक्ष्य को रीसेट करने के साथ साथ आपके रास्ते कठिन और थोड़े दुर्गम हो जाएंगे। अगर आपके आत्मविश्वास में पूरी पावर है और आपको खुद पर भरोसा है तो लक्ष्यों को रीसेट करें, और अगर अपने अंदर आत्मविश्वास की थोड़ी भी कमी महसूस करते हैं तो इस एक भावना का सम्मान करें, लेकिन लक्ष्यों को रीसेट ना करें। इस दिन किसी व्यक्ति को प्रॉमिस ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और दिखावा तो भूल कर भी ना करें। 6 मार्च के दिन धन को लेकर के छोटी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि आपके पास धन है लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको समझ में नहीं आएगा इस कंडीशन को, इस पोजीशन को कैसे हैंडल करें, लेकिन कुछ हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। टालने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा समय निकाल सकते हैं, चुरा सकते हैं, उतना ज़्यादा समय निकालें, चुरा लें और चीज़ों को टालते चले जाएं। चीज़ें टलते टलते जब तक दिन की समाप्ति तक आएंगी, समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, सराउंडिंग सेकेंड डे के लिए जो कार्ड आया है, अकॉर्डिंग टू दैट अगला दिन 7 तारीख आपके लिए बढ़िया नहीं है। इसलिए अगर अपनी समस्या को आप शाम तक खींच लाए हैं तो कुछ भी करके किसी भी व्यक्ति के साथ आर्गुमेंट में बिल्कुल भी ना उलझे 6 तारीख को। 6 तारीख के सायंकाल किसी से झगड़ा करना, आर्गुमेंट करना, विवाद करना, बहसबाजी करना, बिना फिजूल के लॉजिक्स में समय खराब करना आपके लिए बहुत ही दुर्भाग्यकारी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को साबित करना चाहता है 6 तारीख की शाम को, तो उसे साबित करने दें, ले भैया तू जीत ले, उसे जीतने दें, खुद को हरा लें। आपकी हार बिल्कुल वैसी हार होगी जैसे शेर हमला करने से पहले 2 कदम पीछे भी हटता है। इस कंडीशन से फायदा यह होगा कि 6 तारीख की शाम बर्बाद नहीं होगी और दूसरे 7 तारीख को यह कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जो झगड़ा या जो विवाद 6 तारीख की शाम को उत्पन्न होना था, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अब बात करते हैं 7 तारीख की। 7 तारीख को एक विवाद की संभावना बन रही है, अथवा आप किसी ऐसे झंझावात में, ऐसी समस्या में उलझ सकते हैं जहां आप अपने आप को बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे। ऐसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप अपने आप के साथ थोड़ी रहम करें, नरमी बरतें और अपने आप का ईगो कम करें। जितने ज़्यादा ईगो को इस दिन कंट्रोल करेंगे उतने ज़्यादा विवादों से बच जाएंगे। एक चीज़ की और संभावना है, पिछले कुछ समय से अगर आप किसी बड़ी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे थे या मुश्किल में कोई कार्य को करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि कोई ऐसा कार्य था जिसमें बहुत ज़्यादा बाधाएं थी, तो उस एक कार्य में, ये कार्य आज का नहीं हो, ये पिछले कई समय से चल रहा हो, तो इस कार्य में, उस बाधाओं वाले कार्य में 7 मार्च को सफलता मिलने की भी संभावना बन रही है। 8 मार्च के दिन आपके सामाजिक परिवेश में काफ़ी परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से लोग आपसे मित्रता भी करेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे। कई मामलों में आपको समझ में नहीं आएगा कि अचानक लोगों का नज़रिया आपके प्रति बदल क्यों गया है, लेकिन इस बात की संभावना ज़्यादा है कि लोग आपके बारे में पहले जैसा नहीं सोचते हैं और साथ ही साथ लोग अब आपको सम्मानित व्यक्ति मानते हैं। आपको चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है 8 मार्च को, तो उस अच्छे को कैरी फॉरवर्ड करें, आगे लेकर जाएं, अहंकार में मत आएं, अहंकार दिखाएं नहीं। हो सके तो अगले व्यक्ति की, जो आपकी तारीफें करता है, उसका सम्मान करें। दूसरों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना स्वयं के सम्मान को भी बढ़ा देता है, तो इस बारीकी और चालाकी का ध्यान रखें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि व्यापारिक संबंधों के लिए 8 तारीख बड़ा बढ़िया दिन है और इन्वेस्टमेंट आदि करने के लिए भी दिन सूटेबल है। इन चारों दिनों में से 6 और 7 तारीख प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन व व्यवसाय के लिए बढ़िया नहीं है, 5 और 8 अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 5 से 8 मार्च के लिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।